तो हिमाचल में उपचुनावों का रण सजा हुआ है। जी हां, पछात उपचुनावों को लेकर बीजेपी का प्रचार अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। उम्मीदवार रीना कश्यप अब तक 35 पंचायतों का दौरा कर चुकी हैं और जीत का दावा भी कर रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं पच्छाद विधानसभा के अंतर्गत जामन की सैर पंचायत की, जहां बीजेपी प्रत्याशी रीना कश्यप ने दौरा किया। पंचायतों का दौर इन दिनों बीजेपी ही नहीं कांग्रेस भी कर रही है। बीजेपी से प्रत्याशी रीना कश्यप अब तक 35 पंचायतों का दौरा कर चुकी हैं और इस बार सैर पंचायत में उनके साथ पच्छाद से दो बार के विधायक और मौजूदा समय में सांसद सुरेश कश्यप भी शामिल हैं। पच्छाद उपचुनाव की तारीख नजदीक है। पक्ष विपक्ष में जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। दोनों पार्टियां जीत का सहरा पहनने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं। विधानसभा क्षेत्र से जहां कांग्रेस के प्रत्याशी गंगूराम मुसाफिर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं रीना कश्यप भी वुमेन कार्ड प्ले करके महिलाओं की आवाज बनकर और महिलाओं का भारी समर्थन पाकर जीत का दावा कर रही हैं। लोगों में बहुत जोश है। हमारी जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, बहुत अच्छे काम किए हैं, अनेकों योजनाएं चलाई है, चाहे वो महिला वर्ग हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात की जाए, सब लोग खुश है। बहुत जोरदार प्रदर्शन है और हम जीतेंगे और 25 से पार करेंगे। महिलाओं का जबरदस्त समर्थन है। महिला तो अपने आप से ये कहती है कि रीना कश्यप MLA नहीं, रीना कश्यप अगर भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया, हम सभी महिलाओं के लिए मान सम्मान दिया है। उनका जबरदस्त जोश है, वो आगे आकर हम सभी के साथ खड़ी है। तो वहीं सांसद सुरेश कश्यप ने पार्टी हाईकमान का आभार जताया और कहा कि पच्छाद से पहली बार किसी महिला को उम्मीदवार के तौर पर रण में उतारा गया है, जिसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूँ। मैं इस मौके पर उन्होंने जीत का दावा भी किया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, जिन्होंने कि पहली बार महिला को मौका दिया। अभी तक आज तक जो भी विधायक रहे वो हमारे पुरुष रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा, पहली बार क्योंकि एक क्षेत्र गिरिवार में पड़ता है और गिरिपार क्षेत्र से प्रत्याशी दी हैं, इसके लिए भी मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में 16,021 वोटों की लीड पछाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को मिली है और हम लक्ष्य लेकर चले कि अब की बार 20,000 के पार, और उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये उपचुनाव का दौर है और इस दौर में दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार रीना कश्यप अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और उन्होंने तो जीत के आंकड़े को 25,000 के पार भी बता दिया। अब देखना ये होगा कि इस बार जीत की गद्दी पर गंगूराम मुसाफिर बैठेंगे या फिर रीना कश्यप जीत का ताज अपने सर पर सजाएंगी। जनता TV के लिए पच्छाद से देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।